तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो और बढ़िया होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप दाढ़ी वाला व्लॉगर की फैमिली हो। तो आज हम निकल रहे हैं सेला टॉप की ओर। आज है हमारा तीसरा दिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और यह है चौथा एपिसोड। तो आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग मजे कर रहे हो यह तवांग सीरीज में। और आज हम देरांग मॉनेस्ट्री से निकले हैं अभी कुछ ही देर पहले और हम जा रहे हैं यहाँ पे सेला टॉप की ओर। और सेला में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जिंदगी का पहला बर्फ दिखे, क्योंकि जहाँ हम होमस्टे में थे वहाँ के ओनर ने हमें दिखाया था वीडियो के कुछ दिन पहले, यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी और वो उस वक्त सेला टॉप पे ही थे। तो होपफुली हमें भी बर्फ दिख जाए थोड़ी सी, हमें भी मज़ा आ जाए, है ना। तो वहाँ जब बर्फ देखेंगे मेरी खुशी आपको मेरे चेहरे से और मेरे बातों से ज़रूर दिखेगी। तो चलिए सीधे ही, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, फटाफट हम पहुँचते हैं सेला टॉप और वहाँ की खूबसूरती की लुत्फ उठाते हैं। तो अभी सेला टॉप पहुंचने वाले थोड़ी देर में, नॉट वर्किंग फोन मोबाइल, बकवास चीज़ है भाई। गोप्रो मत लेना, जाके DJI का ऑस्मो वगैरह ले लेना, बढ़िया ये काम का नहीं है, मैं समझ गया इसका, ठीक है। तो सब लोग हैं, देखिए हनी का हनी हो आगे रुका हुआ। अच्छा हनी आगे रुका हुआ है, तो चलिए निकलते हैं सेला पे, मिलेंगे आपसे। नजारा देखो भाई, यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, मस्त है, पक्का सेला वही है, सेला पास वहीं पे पक्का। क्या जगह है, वाह मजा आ गया मेरे को, कसम से मजा आ गया, वाव आई लव इट। गाइस हम लोग यहाँ से निकल गए तो गाइस हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फोटो शूट कर लिए, अभी हम लोग निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे बताइए? सेला की ओर, सेला की ओर हम लोग की सवारी अभी होगी सेला में। पता नहीं मेरा फेस, मेरा लुक बहुत बेकार लग रहा है, स्टिल आई एम एंजॉयिंग हियर। हां लेट्स ऑफ कर ले। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को कि ऑसम यहां पे आके, कैसा लगा आप लोगों को? एकदम राइड करके कैसा लग रहा है? गोली। और सबसे बड़ी बात, इसका बाइक देखो पीछे से क्या गोली लग रहा है यार। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोगों को उस टॉपिक लेके जाना है, मैं लीड ले रहा हूँ, मैं लीडर हूँ, तो ये बच्चे लोग को मैं सिखाना पड़ता है। ये बच्चा लोग बहुत आलबल करता है, हर जगह रुकते रहते हैं। फील सो लकी, मैं हूँ 13,700 फीट पे सेला पास पे और ठंड में हाथ पूरा लाल हुआ पड़ा है, फॉग 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 पूरा फॉग और टेम्परेचर पूरा लो चला गया है, शायद से 1 या फिर 0 तो होगा फाइनल पक्का। देखो ये है वेलकम टू तवांग का गेट। हाँ पहले फोटो खींचते हैं। तो पास में ही सेला पास है, सेला लेक है और अभी हम लोग सेला लेक देखने वाले हैं। और बाकी के पार्टी अभी आए नहीं, अभी हम सेला लेक देखने वाले, बहुत ठंडा रही है। ये भी हमें मिल गया था। आप लोग कहाँ से आए? हम बैंगलोर से आए। बैंगलोर से आप सब लोग ना? हाँ। तो हमारे कुछ कुछ राइडर्स मिल गए,
बेंगलोर से इस एज में आप लोग राइड कर रहे हैं, बहुत मस्त है। आपका नाम सर? रवि। रवि सर आपका नाम? रमेश। रमेश। रमेश रमेश जी यहाँ पे बेंगलोर से। बेंगलोर से सर मेरे व्लॉग में आ जाइए सर। अच्छा अच्छा। हाय आपका नाम सर? आई एम सौरभ चैटर्जी फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता। या या सर आप? हाँ ए आरा का भी फोटो ले लो। आरा। आरा लोकल ड्रिंक ये मैंने उस दिन इनका बाइक मेरे को बड़ा मस्त लगा। BMW जी 310। हाँ वो मैं वहाँ पे भी देखा था, मैं सोचा कि वैसे छोड़ दिया आपसे। तो अब सेला पास देखेंगे हम। आ रहे हमारे को राइडर्स। विक्के कैसा लगा? ठंडा मजे आ गए। और ये देखो यहाँ बर्फ है, अचानक से धूप आती है, अचानक से फॉग आ जाते भाई। वो देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, फॉग है। सांस फूल ली है मेरी, सांस फूल। विक्की कैसा लाग लो? क्या बताऊँ, ऐसा ठंडा ना। हाँ हाँ दर्द कर। जिंदगी में रेनकोट पहनो, इतना सारा कपड़ा पहनो फिर भी ठंडा लग रहा है। लास्ट में रेनकोट पहनो तब अच्छा। कभी भी आओ बहुत सारा भाई कपड़ा बहुत है। राइडिंग अगर बाइकर हो इन्वेस्ट राइडिंग गियर्स, वरना फट जाओगे। मेरे दिल की राहें यूं गुमसुम वीरान है, जैसे हो ये भी नाराज। दिल उनको याद करे रातें बर्बाद करे, पर कह ना पाए ये राज। मन करे भुला दूं गिले, ना रहे शिकवे गिले, तुझको दूं ऐसे एक माइलस्टोन अचीव हो चुका है, सांस फूलना शुरू। और सपने भी मैं नहीं सोचा था इतना खूबसूरत नज़ारा देखूंगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पहले नज़ारा देखो। तो ये है सेला लेक, बहुत ही सुंदर। और ये देखो मुझे पूरा लद्दाख वाला फील आ रहा है, कभी गया तो नहीं बट आ रहा है लद्दाख वाला फील यहाँ पे। अगर यहाँ हो सांस का, ऑब्वियसली हम प्लेन्स वालों को सांस का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, तो डायमोक्स टैबलेट होता है लेते आओ। हम तो नहीं खा रहे अभी क्योंकि हमें बुमला भी जाना है, बुमला में और हाइट होगा, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ की खूबसूरती और हाइट्स के अकॉर्डिंग। ये हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क है। और गोप्रो तो भाई मर चुका है, इतना ठंड है, 2 डिग्री सेल्सियस अभी। और 2 डिग्री सेल्सियस में गोप्रो ख़त्म। GoPro बिल्कुल खत्म। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऑक्सीजन लो होता है, अगर उम्र ज़्यादा है तो या फिर हेल्थ कंडीशन थोड़ी लो है, तो प्लीज़ आप बड़े वाले अगर कह रहे हैं तो ऑब्वियसली बाइक पे नहीं कर सकते। छोटे छोटे वाले अमेजोन पे मिलते हैं, 250-300-1000 रुपये में मिलते हैं, कैरी करो अपने साथ। जब भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो आपका आप उसे यूज़ कर सकते हो। अभी शायद यहाँ पे
एक आंटी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ है, तो इस वजह से वो भरे वाले सिलेंडर निकालिए, क्योंकि वो ट्रक ट्रैवलर में थे तो वो लोग कैरी कर पा रहे थे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें हमेशा जब भी हाई एल्टीट्यूड्स पे आए, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस वेरी बैड मतलब नर्क दिखा देगा आपको, इतना गंदा होता है। उसे मिले अंकल से मिलके ये पता लगा अंकल ने कहाँ कहाँ राइड किया लास्ट जून में ना, ये 23 मई से 6 जून तक। जी कहाँ कहाँ गए थे सर? पुणे से शिमला 3 डेज, पुणे टू शिमला बाइकिंग 3 डेज, वहाँ से शिमला से सरान से खाजा से दोसर, दोसर से चंद्रताल से मनाली से वापिस बैक टू पैवेलियन पुणे। ये सब मेरा 4600 किलोमीटर हो गया जी 11 दिन में। और एक दिन का पैच आपको पड़ा था 10 दिन 10 घंटे में, 10 घंटे के लिए दूसर टू मनाली जो चंद्रताल होके जाने वाला रोड है वो 10 घंटा लगाता है 100 किलोमीटर के लिए। 10 घंटा 100 किलोमीटर? हाँ, रोड नहीं है वहाँ, गाड़ियाँ चलती है। इनसे मिलके हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जब उम्र हो तो हम भी ऐसे ही हो, है ना, वो रिटायरमेंट के बाद वो घर में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ना हो, बिल्कुल इस तरीके के हो। तो हमें हमारा फ्यूचर ही दिख रहा है ना। तो थैंक यू, आपसे बहुत मोटिवेशन मिला सच में। थैंक यू। तो ये देखो हम पूरा ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे आते आते मेरे को दिखा ये एक छोटा सा स्ट्रीम बह रहा है, बहते बहते यहाँ पे स्नो आइस है, और ये रहा स्नो आइस। मैंने पहली बार आइस देख ली और मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, तो ये देखो हमारे हाथ में क्या है, बर्फ। फ्रिज के अलावा मैंने बर्फ आखिरकार देख ली, ऐसे नहीं छूंगा। मजा आया, हम लोग जा रहे थे यहाँ से, नहीं तू इधर रख, मैं बोलते रहेगा मेरे पीछे। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ सेलर टॉप से नीचे तवांग की ओर, और तवांग की ओर जब जाते जाते छोटा सा पानी का स्ट्रीम है, और फाइनली हमने देख ली। ले तुम्हें उठा ले ना, नॉट इंटरेस्टेड छुपे देखिए ना, इसका मजा आया। गाइस देखिए फोग कैसे उठ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, लाइक सीरियसली। और आज हमारे साथ क्या हो गया ना, यहाँ पे मेरा स्लीपिंग बैग गुम हो गया, हैवी चूना लगा, क्या बताओ, नंबर भी टूट गया। तो गाइस हम लोग देखिए यहाँ पे, देखिए आइस तो नहीं है यहाँ पे, स्नोफॉल नहीं है, बट देखिए साइड में फाइनली गाइस हम लोग को कुछ थोड़ा सा बर्फ मिल गया, तो उसमें थोड़ा एंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो आप लोग आओ, काफ़ी सुंदर सा ऊपर देखा नज़ारा, काफ़ी सुंदर से ऊपर से पानी बह रहा है लेकिन बर्फ मतलब कन्वर्ट हो रहा है बर्फ पे। तो आप लोग आइए, हम सभी को वही बोलना चाहूँगा, ये बर्फ इतना ठंडा लग रहा है, ग्लव्स खोल के हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन बर्फ मिलने का साथ साथ मतलब क्या ही बोलूं, बहुत ठंडा है, मजेदार। ये टाइट वाला है, स्नो ओनली है ना, ये बर्फ है डायरेक्ट, डीप फ्रीज में जैसा बर्फ होता है ना वो बर्फ है। जिनसे दिल
जसवंत गर्ग वार मेमोरियल में है। ऑक्सीजन नहीं आ रहा, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी सुंदर सा जगह है, अच्छी सी जगह है, यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा। ये पीछे देखो, यहाँ पे उनकी स्टैचू बनी हुई है उनकी लविंग मेमोरी में। और अभी आपको नीचे दिखाता हूँ कि क्या हुआ था यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉरी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना या फिर पॉज करके पढ़ लेना। पूरा इधर आ जाओ और इधर इधर से मेन मेरा की फटा पता है। एमएसके का व्लॉग देखा था मैं, उसमें नाचो स्टोरी सुना था, मतलब होता लाशों का। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे बोला था ना जो उतर के आ रहा था अकेले अकेले, इस तरह से हम लोग का राइडर आगे पीछे हो गया था ना कि हाँ जो बोले था ये देख रहा था। बाद में लुकस ने बताया कि वो सब मतलब कि ये आत्मा था, रियल आदमी नहीं था। यहाँ पे भी तो वही हुआ है वार मेमोरियल, जो क्या हुआ वहाँ पे जब इंडिया चाइना का वार हुआ था, क्या हुआ जब उतर के आ रहा था ना भाई। ये फालतू आदमी तो आगे आगे जा रहे हैं, इनको तो कंट्रोल है नहीं, ब्रेक है नहीं इनके पास। वो नहीं, अब मजाक कर रहा है, ऐसे उड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ना ये थोड़ा टाइम में हम देखा रास्ता भी खराब है, हम आराम से चिल चिल करके जा रहे हैं, इनको पीछा नहीं कर रहा। अच्छा नहीं, 5-6 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं दिखाई, ना आदमी ना कुत्ता ना बिल्ली, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखता। लाइट भी नहीं दिख रहा पता है काटने के लिए भाई। वही बोला ना जब मैं आ रहा था ना उधर रास्ता में, याक दिखा, मेरे को याक दिखा भाई, कुत्ता मेरे पीछे वो करते करते जैसे लाइट पड़ता है याक का आँख पे, कुत्ता का मेरा पट्टे वाला बढ़ जाता है। मैं उसके साथ लिंक कर रहा था कि यहाँ पे भी वार हुआ है, यहाँ पे भी इस तरीके का ऑब्वियसली डेड बॉडी से वो जो हुआ होगा। मेरे को भाई सूख गया मेरा अंदर अंदर, मैं सूख गया। और मैं कंट्रोल कर दिया पूरा, एकदम स्लो कर दिया गाड़ी, किसी कोना पे कुछ दिख जाएगा क्या पता, कुछ बूझ बूझ ऑब्वियसली। स्टोरी नहीं सुना एम एस के लोग का, पागल हो जाएगा क्या पता है। वो लोग जब जाते ना स्नो ही पूरा, हाँ पूरा बर्फ पटे ऐसे, शाम लेट हो गया वो लोग को जाने में, और वहाँ से रात में जाने को मना करता है। तो एक ट्रक था, ट्रक का फॉग लाइट देखते 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 जा रहा है, ठीक है, ट्रक भी आगे चला गया। फिर वो था और वो लोग के साथ ऐसे जो हम लोग का राइडर है ना, आगे पीछे हो गया था, ठीक है ना। जब एमएसके जा रहे आगे, साथ ही साथ उसका घोड़ा एक दौड़ रहा है, समझा ना, एक घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, वो सोचे चलो नॉर्मल है। थोड़ा सा आगे गया, एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है बर्फ में, ठंडा में, समझा, पत्थर का ऊपर ऐसा बैठा हुआ है, वो गया। तो थोड़ा ना इसको ये हुआ, ठीक है, आगे जाके देखता है पूरा लाल हुआ पड़ा रास्ता, मतलब अजीब अजीब तरीका का चीज़ दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा जा और रुक भी नहीं सकता है, डर रहा है पूरा, वही बोला। तो उसके बाद जब उसके साथ में सत्या सागर बोलकर, वो भी यूट्यूबर है, वो भी जब उसको बोला ना कि भाई वो सोच रहा है कि खाली मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा कि ठंड की वजह से हेन तेन कुछ भी, समझा, वही सुन ले पहले स्टोरी सुन लेना। तो वैसा हुआ क्या, सत्या सागर को पूछा, वो बोला कि भाई मेरे को भी बहुत अजीब हो गई चीज़, वो लोग आप फट के बराबर हो जाते लेकिन नीचे जब गया ना ऐसा लोकल लोग बोला बोलता है क्या है, मतलब लाशों का ढेर। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिंक किया, क्यों यहाँ पे भी तो इंडिया चाइना का वार हुआ था ना, जहाँ से हम लोग आए उस पॉइंट से हम सोच रहे हैं इसी पॉइंट पे रुक गया। हम बोले हम एक बार जाएंगे, अरे ये दोनों रुक गया वहाँ पे चाय पीने, हम बोले इन लोगों के तुम लोग रुको, फिर हम संदीप भैया के, ये मेरा है, तो बोला हम संदीप भैया के साथ ही जा रहे हैं, वहाँ पे रुकेंगे। तो वो गलत रास्ता ले लिया, हम जा रहे हैं पूरा अंधेरा कुछ नहीं, रास्ता बढ़िया है, रास्ता बड़ा भी है, इस रास्ता से वो रास्ता अच्छा है, जा रहा है। इस रास्ते में क्या ना जगह माइल स्टोन है, बोर्ड लगा हुआ है बी आर ओ का, उसको कुछ नहीं है। हम 6-8 किलोमीटर में हो गया हुआ, ये रास्ता नहीं होगा। एक दो गाड़ी वाला को रोके, वो लोग रुका भी नहीं, उसके बाद मुझे नहीं, रात को नहीं रुकता ना भाई, होम भगाए हम वापस आए हैं। फिर दो तीन ये दोनों बाइकर हमको रास्ता मिला, हम पूछे कि ये दोनों वहीं पर रुका हुआ है क्या, तो बोला हाँ वो दोनों वहीं पर आए, तो इन लोग भी आ रहा था, इन लोग भी लेकिन मैं गलत वाला रास्ता ही पकड़ लिया, तो लोग भी वही वाला रास्ता में आ गया था, क्योंकि वो रास्ता अच्छा दिख रहा था, वो बड़ा था। कौन बोलेगा वो किला वो रास्ता नहीं है, बल्कि इतना बड़ा रास्ता था वो, इन लोग भी आ रहा है। फिर हम चाय एंजॉय करते हैं, हम बातें करते हैं, ब्लॉग को बंद करते हैं। तवांग पहुँच चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया पहुँचने में, लेकिन कोई ना, मजे से आए हम लोग आराम से घूमते घूमते। ये हमारा रूम है, रूम टूर देते हैं आपको, रूम को पर डे हमको पड़ रहा है 3 लोगों के लिए 900 रुपये, मतलब 300 रुपये पर हेड,
और बढ़िया रूम है, मैंने ऊपर वाली ली है, मैं दिखाता हूँ। हमारा कुछ ऐसा रूम है, ये तवांग गवर्नमेंट टूरिस्ट लॉज है। ये हमारा एंट्रेंस हो गया, यहाँ पे हनी सोएगा, यहाँ पे कन्हैया भैया, और मैं सबसे पहले आके अपना या ऊपर में कब्जा कर लिया था। तो ये कुछ जगह है मेरा, मस्त प्राइवेट स्पेस, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा सारे सामान यहाँ पे बिखरा दिए हमने, अच्छे से पसार दिए। ये बात क्या हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा चढ़ा नहीं हुआ। सेला पास में हालत ख़राब हो गया था जब उतर रहे थे, सेला पास पहुँचे थे ना, और व्लॉग करने के टाइम में बोल रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ राइडिंग जैकेट के अंदर, ऐसे पूरे दुबक के बैठे रहते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत दिक्कत होता है, सांस फूल रहा था। तो आके मैंने एक डेढ़ लीटर गर्म पानी पिया, गर्म पानी पीने के बाद बाथरूम जाकर फ्रेश व्रेश हो गया अच्छे से। अभी डिनर करने का टाइम है, डिनर करेंगे फिर आपसे बातें करेंगे। जैसा हमारा रूम है वैसा सेम रूम विक्की लोगों का भी है यहाँ पे, और इधर नीचे आज विक्की को मिला है, और ऊपर, अच्छा ऊपर तेरा है, तूने कब चले, चलो शाबाश वेरी गुड। अभी तो फिलहाल तो वो ऊपर से पिलपिला आ रहा है, क्या मजा आ रहा है ऊपर से, इतनी ज्यादा ठंडा है यहाँ पे, हाँ के बराबर हो गया हम लोग का, मजा आ रहा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, रात को तो माइनस में जाएगा भाई, रात को माइनस जाएगा, माइनस वन, माइनस वन डिग्री, बुमला नहीं जा पाएंगे, बुमला एक बार घूम के आ जाते फिर बर्फ हो जो हो, ए साले घर भी तो जाना है, घर भी तो जाना है, बर्फ होगा कैसे कर जाएगा, जाएगा अपने पास भी एक आईफोन आएगा, क्योंकि गोप्रो बहुत धोखा देता है भाई, इतना धोखा देता है ना गोप्रो, मतलब क्या बोलूं, और एक आईफोन जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बजट नहीं है, मैं पैसे नहीं है, तो वही चलिए डिनर दिखाते हैं आपको गरम गरम। तो रूम सब जो यहाँ पे जो ये पूरी बिल्डिंग है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, आराम से फैमिली लेके भी आओ तो रह जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, यहाँ के जो केयर टेकर है उनको 2-3 बार कॉल करना पड़ता है तभी उठते, वरना नहीं उठते। तो बढ़िया सा जगह हमें मिला था फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे सिटिंग एरिया भी बेस्ट है, देखो सुंदर सुंदर जगह, सिटिंग एरिया भी बढ़िया सा, पार्किंग लॉट का कोई इशू नहीं, पार्किंग का नहीं तो प्रॉब्लम होता है इतना बड़ा पार्किंग लॉट, पार्किंग का कोई इशू नहीं, इतना बड़ा पार्किंग लॉट, हमने अपनी बाइक यहाँ पार्क करी है। ये देखो हमारा झंडा, सुबह दिखाएंगे आपका व्यू, होटल तवांग हाइट्स, ये हमारी बाइक स्पॉट है, हमारी ये लिखा गई, ये रही हमारी सेंटा बेबी, आज ये तवांग तक पहुँच गई, मेघालय घूम लिया, तवांग घूम लिया सेला पास में बहुत बढ़िया से गई, अब बुमला जाएगी ये, सब्सक्राइब कर देना इसको ठीक है याद से और यहाँ पे कुत्ते दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कितने क्यूट क्यूट कुत्ते हैं, ये कुत्तों को गुवाहाटी लेके नहीं जा सकते, गुवाहाटी लेके जाऊंगा उनके सारे चूल उड़ जाएंगे, और यहाँ पे यहाँ के लोकल कुत्ते हैं, ऐसा नहीं कि खरीदा हुआ है भाग गए, और 2-3 तक खेल लेते, ये देखो बिल्कुल वुल्फ की तरह लगते हैं, वाह। तो हम लोग वहाँ खाएंगे खाना, वो है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया में बहुत मस्त है, और खाना भी यहाँ पे बढ़िया मिलने वाला है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये दाल गरम गरम दाल, ये सब्जी, वाह ये भजी भाजी, ये चावल। तो अभी हम अपना प्लेट में निकालेंगे, एक इसका किसके लिए निकाल, अच्छा ठीक है मेरे लिए, मैं निकाल दूँ प्लेट की तरह, भयंकर ही पूरा फूल है, आज दबा के खाने वाला, सब शुरू हो चुके हैं, हम भी शुरू होंगे। आप तवांग में अरुणाचल में खाना बहुत बढ़िया, सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मेघालय में खाना हमको बहुत मतलब मिला ही नहीं था, बोलूँ तो मिला भी था तो ऐसा कि हाँ गिन गिन के देते हैं, यहाँ कितने हाइट पे गुवाहाटी से कितने दूर है, सिटी से कितने दूर है, फिर भी ये लोग खाना बढ़िया देते हैं, रीजनेबल रेट 120 रुपये में भी हमें वेज थाली मिलने वाली है, वो भी पेट भर, मेघालय में हमने खाया था कितना 120 रुपये में एक बार सर्विंग, दोबारा मांगोगे तो पैसे लगेंगे, इसीलिए कमर्शलाइज नहीं है ये जगह, यही अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल ओरिजिनल है, यहाँ की ब्यूटी भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है, आर्टिफिशियल यहाँ पे कोई कमर्शलाइजेशन की वजह से बर्बाद हो जाता है, हम जैसे टूरिस्ट को प्रॉब्लम होती है, तब क्यों हम भी एक बजट लेके चलते हैं,
चमक सकते हो। किसको भी अगर 10 रुपए का चीज को 11 दे तो ठीक है, अब 10 का 20 दे तो अच्छा नहीं लगता ना, वैसा होता है। अभी खाना परोसने दीजिए, फिर वो अच्छा सेल्फ सर्विस है। तो अब वक्त है सोने का, हम सोएंगे, मिलेंगे सुबह। नहीं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको पास बनाते हुए, बुमला के लिए कैसे पास बनाया जाता है बिना किसी एजेंट या थर्ड पार्टी से बनाने से अच्छा आप खुद कैसे बना सकते हो, सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा कल अगले व्लॉग में आपको मिल जाएगी। और कितने पैसे पड़ते हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, सारी डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। बाय बाय।